शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कपड़ों के साथ में अपने विचार भी बदल दिए हैं। हमने कहा हमारी जिंदगी हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। कहना कुछ बदला है, हमें बताओ कि क्या बदल गया है। हम बदल गए। तुम कहाँ चले गई थी कहना? उर्वशी से शादी हमारी मजबूरी थी कहना। सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वापस आ गई हमारे पास, हमारे आसपास। गौरव मैं माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं रह सकते। अगर हम तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम तुमसे विनती करते हैं गौरव, अपने आप को ऐसे चोट मत पहुंचाया। अपने आप को इस तरह परेशान मत करो गौरव। हम कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन तुम्हारी परेशानी नहीं। खुशी मैडम, आप तो बस पूछती रह जाएंगी और वो गहना ना काम निकाल के चल देगी। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रहे हम, वो गहना गौरव सर को लेप लगा ली थी उनके जख्मों पे। वो इतनी आसानी से मानेगी नहीं, लेकिन अब हद हो चुकी है और पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों को होश भी आ जाए और दोनों के होश ठिकाने भी लग जाए। धन्यवाद महादेव, आपने गौरव को घर सही सलामत पहुंचा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन महादेव, ये कैसी दुविधा में आपने हमें डाल दिया है। हम जीना चाहते हैं, लेकिन गौरव के बगैर ये हमसे नहीं हो पा रहा है। हमें छुटकारा दिला, हम ऐसे नहीं जी सकते। गौरव की तकलीफ हमसे नहीं देखी जाती, हम जाके भी गौरव के करीब नहीं जा सकते और उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते। अब इस दुविधा में आपने हमें डाला है ना महादेव, तो हम आपसे विनती करते हैं, अब आप ही हमें इससे निकालिए, रक्षा कीजिए। चुंगे, एक बाल्टी पानी लेकर आओ। अभी लाएंगे। आप क्या कर रही है उर्वशी मैम साहब? ओह माय गॉड झुमकी, ये तो जिंदा है। और मुझे लग रहा था कि भगवान की प्रार्थना करते करते इसके प्राण पखेरू फाइनल हॉलिडे पर चले गए होंगे, पर ये तो अच्छी खासी है ना। महारानी हो इस घर की तुम। सुबह हो गई है गहना, सब लोग उठ चुके हैं और इस घर की नौकरानी अभी तक सो रही है। मानी सी बात है, अगर रात भर छुपते छुपाते दूसरों के पतियों के जख्म पर लेप लगाओगी
तो तुम्हारी नींद कहां से ही पूरी होगी? मेरा टोन क्यों टे? सब देखती हूं मैं, मेरी आंख और कान 24 घंटे सिर्फ तुम ही पर होते हैं गहना। अब जाओ और काम करो। आज घर में गणपति स्थापना है, भोग बनेगा, सजावट हो, मेहमान आएंगे और सुबह सुबह रसोई में घर का नाश्ता तुम्हारा बाप नहीं बनाएगा। वंश के लिए होगी तुम बड़ी मेहनत, वर्किंग गर्ल। काम करने का बहुत शौक है तुम्हें, तो चलो आज तुम्हें बहुत सारा वर्क कराएंगे। और हाँ, मुंह धोने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, नहा तो तुम चुकी हो। जाओ जाकर काम करो, जाओ। सच कही उर्वशी मैडम, हम की ये हरकत देख के तो मजा आ गया। बहुत मजा आ रहा है झुमकी तुम्हें। हाँ, अब जाओ और दोनों पर नजर रखो और मुझे अपडेट करती रहो। एक ही मतलब है कि तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। अब वंश को गहना के करीब लाकर इस गहना को अपने गौरव से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी मैं। तो गौरव का दिल तड़ाम करके टूट जाएगा। और एक पति अगर अपना दुखड़ा लेकर अपनी पत्नी के पास नहीं आएगा तो फिर कहां जाएगा बेचारा गौरव। यहाँ मैं गौरव और गहना के बीच में गलतफहमी पैदा करूंगी और वहां वंश के दिल में गहना के लिए प्यार पैदा होगा। और गौरव को अपने करीब लाने के लिए मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूंगी। ये लो गौरव, कॉफी पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर तुम्हारा सर दर्द हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये लो। ये उर्वशी मैडम को क्या हो गया, इतनी शांत कैसे हो गई? नहीं, हमें नहीं पीनी, हमें नहाना। रुको गौरव, एक मिनट। हाँ, ये देखो गौरव, क्या लाई हूं मैं तुम्हारे लिए, नई शेरवानी कुर्ता। अब इसे जल्दी से जाके पहन लो। आज घर में गणपति जी की स्थापना है और शादी के बाद ये हमारा पहला गणपति है। जाओ जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, हॉल में लोग आने वाले हैं। नहीं, हम अपने कपड़ों में से कुछ पहन लेंगे। मैडम वो सॉरी, कल रात को हमने पता नहीं क्या कह दिया। उर्वशी से शादी हमारी मजबूरी थी गहना, सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं गहना। कल तुमने मुझसे क्या कहा गौरव, मैं तुम्हें क्या बताऊं? लेकिन तुमने जो भी कहा दिल से कहा और वो सीधा मेरे दिल पर जाके लगा। तुमने मुझसे माफी मांगी गौरव, और तुमने मुझसे वादा किया
एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का। जी आप क्या कह रही हैं मैडम? हमने ऐसा कब कहा? ऐसा कब कहा? मैं तुम्हें क्या बताऊं गौरव कि तुमने क्या कहा? और तुम तो मेरे इतने करीब आ गए थे कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। हम इतना करीब आ गए थे? ऐसा नहीं हो सकता मैडम, हम इतने भी नशे में नहीं। बस वो क्या है ना कि ये सब बातें इतनी खुल के नहीं बता सकती मैं तुम्हें। लेकिन गौरव, मैं अपनी मर्जी से पीछे हटी क्योंकि मैं ये चाहती थी अगर हमारा रिश्ता मजबूती की ओर बढ़े तो पूरे होशो हवास में बढ़े, ऐसे नशे में नहीं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। शेरवानी पहन लो। इतना नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? आज हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आज गणपति जी घर आने वाले हैं और मैं उनका स्वागत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर। मैंने तुम्हें जुनून से हासिल करना चाहा गौरव, वो तो हुआ नहीं। अब मैं तुम्हें प्यार से हासिल करूंगी। ये सब हमने कैसे कह दिया? हाँ गौरव, तुमने ये सब नहीं कहा, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर बहुत जल्द होगा। ऐसा कहा भी है तो हमारा वो मतलब नहीं था, पता नहीं क्यों। ऐसा लेप तो कहना लगाया करती थी हमारी चोट पर। इसका मतलब वो यहां पर आई थी हमारी चोट पर मरहम लगाने, मतलब उसके मन में भी हमारे लिए प्यार है। पर हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि उसे कौन रोक रहा है हमें अपनाने से। हमें कहना से बात करनी पड़ेगी कि आखिर उसके बर्ताव में अचानक बदलाव कैसे आ गया है। आज गणपति पापा आ रहे हैं, वही हमारी मदद करेंगे। यही तो है हमारी कहना, सादगी से भरपूर पर फिर भी सबसे खूबसूरत। यही है वो कहना जिसे हम प्यार करते हैं। आज नहीं कहोगे कि कुर्ता पजामा हम पर अच्छा लगता है? गौरव, तुम ये कुर्ते पजामे में कितने अच्छे लग रहे हो, एकदम। क्या कह रही थी तुम कि जब हमने तुम्हारा फायदा उठाया तुम नशे में थी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब नशे में हुआ, तो फिर तुमने क्या किया कल रात को जब हम नशे में थे? बोलो। हमें पता है ये सब तुम ही करती हो, हमें रात में लेप तुम ही ने लगाया है। जवाब दो ना हमें, बोलो ना कहना, जवाब दो ना हमें, कहना बोलो ना। बताओ कहना, क्यों दूर हो तुम हमसे? तुम हमसे प्यार करती हो ना, जवाब दो। ये चुप्पी, ये थप्पड़ इस बात का गवाह है कि कुछ तो है हमारे बीच में, कुछ तो है जो
तुम हमसे छुपा रही हो। कुछ तो है जो तुम्हें हमसे दूर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। पर कोई बात नहीं, आज हम इस बात का पता लगा कर रहेंगे गहना, आज ये वजह ढूंढ कर रहेंगे। गौरव चले, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को घर लाना है। जी गणपति बप्पा हो गया, मंगल मूर्ति हो गया। हे गणपति बप्पा, हमारे सारे विघ्न हरो, हमारे और गहना के बीच के सारे फासले दूर करो, कृपा करो मंगल मूर्ति। देख लो, ये हक तुम्हारा था इस घर के बेटे का, पापा को घर में लाने का, लेकिन ये हक एक नौकर निभा रहा है। देखना, धीरे धीरे करके ये तुम्हारे सारे हक तुमसे छीन लेगा। आइए यहाँ पर स्थापित कीजिए। आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। ओम देवो शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय। गणपति बप्पा बोरिया, गणपति बप्पा बोरिया। अब आरती की विधि आरंभ होगी और आप सब लोग एक एक करके आरती करने आएंगे। कृपया ध्यान रहे, पति पत्नी साथ में आए। पप्पा, आपकी कृपा से आज हमारी दूसरी बेटी भी हमारे साथ है। हो गया गहना, तुम्हें जितना इनकार करना था तुम कर चुकी हो। हमारे रिश्ते को सबके सामने छुपाने की कोशिश करनी थी, तुमने वो भी कर ली, लेकिन अब बस, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि हम एक हो चुके हैं। कहना, हमारा प्यार ही हमारी पहचान है। पंडित जी ने कहा ना कि पति पत्नी साथ में पूजा करेंगे, हमारी पत्नी तुम हो, उर्वशी नहीं। चलो हमारे साथ। सब आपने ये गौरव,
हम विसर्जन से पहले ये जान सके कि गहना क्यों परेशान है, क्यों वो हमसे दूर दूर जाती है। गहना को जितना दिख रहा है देख लो, क्योंकि मैं तुमसे वादा करती हूँ गौरव कि तुम्हारा गहना के साथ रिश्ता इन्हीं गणपति के दो दिनों में खत्म हो जाएगा। गहना हो जाएगी वंश की और चली जाएगी इस घर से बहुत 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 दूर। हे विघ्नहर्ता, क्या मांगे हम आपसे बापा? बस हमारे साथ रहना, हमारी मदद करना। मदद करना गौरव की थी कि वो उर्वशी मेम साहब के छल प्रपंच से बच पाए, उस पर आने वाला हर संकट अब हमसे होकर गुजरे, यही कामना है। तो ये लहंगा अब एक सुंदर सी लड़की पहने, और वो सुंदर लड़की है आप। मैं सुंदर सी वाइफ के लिए ये लहंगा लेकर आए, हम एक ऐसा ही कुर्ता भी लेकर आए, हम भी वही पहने, मैचिंग मैचिंग। गौरव, तुमने तो कहा था तुम वही रंग का कुर्ता पहनोगे मेरे लहंगे से मैच करके, मैचिंग मैचिंग। अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।